हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैनल के अंदर नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा शीर्षक है एक्सपेरिमेंट मेथड। लास्ट वीडियो में हमने किंडरगार्टन पद्धति फोबेल के द्वारा दी गई है उसका रिवीजन कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, ठीक है, जिसको हम जैसे प्रैक्टिकल होते हैं उसी हिसाब से एक्सपेरिमेंटेशन मेथड होता है। चलिए आज का वीडियो फिर शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मेथड या एक्सपेरिमेंट मेथड कह सकते हैं हम इसको। एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब कि आपको एक्सपेरिमेंट करके यानी कि क्रिया करके, गतिविधि करके, क्रिया करके कोई रिजल्ट आएगा आपके सामने, कोई उसका फल आएगा जो भी आप क्रिया करेंगे और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बोध डेवलप होगी, बोध का विकास होगा, ठीक है। मेन फोकस इसका भी यही है, इसमें भी लर्निंग बाय डूइंग। क्लास शुरू करने से पहले सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर पर्व जो है गण और गौर के सिग्निफिकेंस से हमारे यहाँ मनाया जाता है और सभी को इसकी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ में रमजान का महीना भी शुरू हो चुका है तो उसकी भी सभी प्यारे विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। प्रयोग विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें बालक ज्ञान के अपने प्रयासों की सहायता से प्रयोग द्वारा स्वयं प्राप्त करता है। इस विधि में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग अभी मैंने लिखा है, के सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है। प्रयोग विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक नहीं ठूसता है अपितु उन्हें उन्हीं के प्रयासों की सहायता से प्रयोग द्वारा नवीन ज्ञान को खोजने की प्रेरणा देता है। इस दृष्टि से इस विधि में शिक्षक का काम केवल इतना ही है कि वह किसी अमूक प्रयोग एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट का खाका डिजाइन करे। एक्सपेरिमेंट का खाका डिजाइन करें या बनाए। डिसीजन तो विद्यार्थी को ही लेना पड़ेगा ना कि वो उसका एक्सपेरिमेंट का टॉपिक क्या रहेगा या किस विषय पे। और कई बार जो शिक्षक है वो भी एक्सपेरिमेंट भी तुम ऐसा करो कि तुम इस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर लो या ये टॉपिक तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए सही रहेगा। शिक्षक भी बता देते हैं, कई बार समझा देते हैं। गाइड के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में बालक के अंदर इतनी जिज्ञासा जागृत कर दें कि वे आपके द्वारा प्रयोग द्वारा नवीन ज्ञान को स्वयं प्राप्त कर सके। अब यहाँ शिक्षक क्या है? शिक्षक जो है गाइड, शिक्षक गाइडेंस देने का काम कर रहा है। यहाँ पे शिक्षक गाइड है, गाइड की भूमिका में शिक्षक है। गाइड की भूमिका में कौन है? शिक्षक है। और ज्ञान का निर्माण तो छात्र स्वयं ही करेगा। जैसे ये छात्र है, ये छात्र स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करेगा। किसकी सहायता के द्वारा? गाइड की, अपने गाइड की सहायता के द्वारा। अब हम इसके जो सोपान है उनको जान लेते हैं। प्रमुख कौन कौन से इसके सोपान है वो हम जान लेते हैं। पहला है निरीक्षण, नियंत्रण और मापन। इसके सोपान है प्रमुख निरीक्षण, दूसरा नियंत्रण, और तीसरा है मापन। देखिए निरीक्षण मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, और मापन मतलब
मतलब मेजरमेंट। ये सोपान है किसके? एक्सपेरिमेंट मेथड के, यानी कि प्रयोगात्मक विधि के सोपान है। चलिए एक एक को समझते हैं। निरीक्षण ऑब्जर्वेशन। इस सोपान में बालक ज्ञान की खोज के लिए स्वाभाविक रूप से अध्ययन, चिंतन तथा निरीक्षण करते रहते हैं। अध्ययन, चिंतन और निरीक्षण दोनों, ये सब चीजें किसमें करते रहते हैं? अध्ययन और चिंतन करते रहते हैं। अध्ययन और चिंतन करते रहते हैं। अगला है नियंत्रण। नियंत्रण के अंदर क्या होता है कि जो पूरा कंट्रोल है इस सोपान में स्वाभाविक परिस्थिति तथा अन्य तथ्यों का नियंत्रण कर दिया जाता है। मतलब कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है, कौन कौन सी कंडीशन आ सकती है, तो उनको नियंत्रित कर दिया जाता है। मापन। इस सोपान में प्रयोग के निष्कर्ष का परीक्षण अथवा मापन किया जाता है। अब जो चीज रिजल्ट आया है ना, उसका मेजरमेंट करेंगे, मापन किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसका रिजल्ट सही आया है या नहीं आया है। अगला हम पढ़ेंगे प्रयोगात्मक विधि के गुण। जैसे हर एक विधि के हमने पढ़े हैं, वैसे ही प्रयोगात्मक विधि के भी हम गुण भी पढ़ेंगे और साथ में दोष भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। प्रयोगात्मक विधि में बालक शारीरिक मानसिक रूप से क्रियाशील होता है। भाई एक्टिविटी बेस्ड है तो क्रियाशील तो होगा ही। सेकेंड, यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ज्ञान प्राप्त करने से बालकों की ज्ञानार्जन में रुचि होती है। करके सीखने पर बल, करके सीखने पर बल, ज्ञानोपार्जन पर आधारित और फोर्थ है प्रयोग द्वारा बालक नवीन ज्ञान की खोज स्वयं ही कर लेता है। प्रयोग के माध्यम से ज्ञान की खोज बालक स्वयं ही कर लेता है। प्रयोग विधि से खोजे हुए ज्ञान की सत्यता का मूल्यांकन भी सरलता से हो जाता है। इस दृष्टि से यह विधि शिक्षण की एक उत्तम विधि है। मूल्यांकन भी हो जाता है जो प्राप्त हुआ है। जैसे कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आपका एक्सपेरिमेंट सही हुआ है या सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मूल्यांकन भी हो जाता है। ये भी पता चल जाता है करने वाले को, दैट इज स्टूडेंट को, ये पता चल जाता है कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो सही किया है या नहीं किया है। अब हम इसके दोष की बात कर लेते हैं। दोष की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे है, विधि छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त है। ये विधि छोटे बालकों के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट, इस विधि की सफलता के लिए विभिन्न शिक्षा प्रकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें धन के अभाव में प्राप्त नहीं किया जा सकता। सपोज कीजिए कोई छोटी स्कूल्स हैं जिनके अंदर लैबोरेटरी फैसिलिटी, लैब्स अवेलेबल नहीं है, तो वो ये नहीं कर पाएंगे। जिनके पास में धन की कमी है, धन का अभाव है, वो विद्यालय भी इसको नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। भाई एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ केमिकल्स भी चाहिए होते हैं और पूरा लैब सेटअप चाहिए होता है। तो जरूरी नहीं है कि सारे स्कूल्स में ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। ठीक है, थर्ड, प्रयोगात्मक विधि द्वारा शिक्षण करने में समय और शक्ति भी अधिक होती है या लगती है। समय भी लगता है, आपको उसके रिजल्ट का वेट भी करना पड़ता है, और शक्ति यानी कि आपके रिसोर्सेस भी लगते हैं। रिसोर्सेस के साथ में मैनुअल फोर्स भी लगती है। आपको मॉनिटर करने के लिए लोग भी अवेलेबल चाहिए वहां पे। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को ही छोड़ दिया लैब में कि जाओ और आप करो,
उनके ऊपर प्रॉपर उनको गाइड करने के लिए गाइड अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है बात। नेक्स्ट है, इस विधि का प्रयोग प्रत्येक विषय के शिक्षण में असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए यूजफुल हो, सभी विषयों के लिए अनुपयोगी है। जरूरी नहीं है कि हर एक विषय में आपको उपयोग करने की आवश्यकता हो, तो ये इसलिए अनुपयोगी होगी। अगला है, प्रयोगात्मक विधि के द्वारा इस छोटे से जीवन में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। सही बात भी है, छोटा सा ये जीवन है, इसके अंदर अगर आप प्रयोग करने ही बैठ गए, एक्सपेरिमेंट करने ही कि हम खुद देखते हैं इस चीज का इससे कि रिएक्शन होता है फिर क्या रिजल्ट निकलता है, अगर आप ऐसे ही बैठ गए तो लाइफ तो फिर छोटी लगने लग जाएगी। अगर आप इतने रिजल्ट एकत्रित करेंगे फिर उनसे सीखेंगे तो जीवन तो इतना बड़ा नहीं है, लाइफ तो इतनी बड़ी है नहीं। तो हमें क्या करना है कि जो दूसरों के द्वारा किए गए अनुभव हैं उन्हीं के आधार पर लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरों के एक्सपेरिमेंट्स को और उनके रिजल्ट्स को स्टडी कर लेना चाहिए। सेम एक्सपेरिमेंट जो करे हुए उन्हीं को दोहराना, रिपीट नहीं करना है बार बार। आई होप क्लियर हो गया होगा एक्सपेरिमेंट मेथड इन दिस वीडियो। अब अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सुनने में तो एक ही चीज लगती है कि नरेशन और डिस्क्रिप्शन एक जैसा ही लगता है, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट आल्सो। थैंक यू।